वही पाखी ने माफ नहीं किया है बल्कि बहुत बड़ा प्लान बनाया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ शिल्पी। वही सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आज बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं, जैसे कि पाखी ने विराट को माफ कर दिया और साथ ही पाखी ने ये भी कह दिया कि जाओ भाई सई से शादी कर लो, और ये चीज देखकर विराट भी हैरान था। तो वहीं सई ने विराट से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सई नहीं नहीं बल्कि पूरे परिवार ने ही विराट से सारे के सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब विराट अकेला क्या करेगा, क्योंकि सई जो है वो भी शादी करने वाली है। लेकिन इस बीच जहां पाखी ने विराट को इस तरह से माफ कर दिया और खुद भी पेपर पे साइन करती हुई नजर आई, ये सच में काफी शॉकिंग था। तो चलिए बताते हैं भाई पाखी ने जो ये सब किया है उसके पीछे बड़ा राज किया है। भाई दोस्तों, सीरियल के आज के ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरह से विराट जो है पूरे परिवार के सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे अब सही से शादी करनी है, जिसके बाद पूरा परिवार जो है उस पे बौखला जाता है। अब बात करें अश्विनी की, तो अश्विनी ने तो विराट को आई कहने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद विराट बहुत हैरान है, परेशान है। लेकिन भवानी काकू जो है वो तो विराट का पूरा पूरा साथ दे रही है और कह रही है कि तू टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब विराट को दिलासा तो मिल चुका है, लेकिन बेचारा जब सई के पास जाएगा तो तूफान आ जाएगा। वहीं बात करें सबसे स्पेशल मेंबर पाखी की, वही पाखी के पास जब विराट जाएगा उससे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा और कहेगा पाखी तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो ये भी प्लीज कर दो, प्लीज मुझे सई के पास जाने दो, क्योंकि मैं सई के पास जाना चाहता हूँ और मुझे पता है मेरी खुशियाँ जो हैं वो उसी के पास है। अब पाखी ने हाँ भी कह दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही थी कि भाई पाखी ने कैसे हाँ कह दिया, और पाखी ने विराट को गले से भी लगा लिया, जहाँ पाखी की आंखों में आंसू नजर आए। लेकिन भाई दोस्तों, ये सच में शॉकिंग नहीं था, क्योंकि वो पाखी जो विराट सई को दूर करने के लिए तमाम कोशिश करती थी, उस पाखी ने आज विराट को हाँ कह दिया कि जाओ सई के पास चले जाओ। अब सीरियल के आने वाले ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से विराट अब सई के पास जाएगा, जहाँ सई फिर से उसे इनकार करने वाली है, जिसके बाद विराट को तगड़ा झटका लगने वाला है। वहीं बात करें प्रोमो की, तो प्रोमो में भी आपने देखा था कि किस तरह से विराट सई की गाड़ी के आगे पीछे घूम रहा है और सई से कह रहा है कि भाई मैं सई तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन सई ने साफ साफ कह दिया है कि भाई मुझे तो किसी और से शादी करनी है, और जैसे ही सई ये चीज बोलती है कि सत्या का फोन जो है सई के फोन पे आ जाता है, जिसको देखकर विराट को खुंदक आ जाती है। अब विराट जो है वो कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा सत्या का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन लेटेस्ट खबरों की माने तो पाखी ने जो ये ड्रामा किया है ना, वो सब कुछ प्लानिंग थी, क्योंकि पाखी को ऑलरेडी पता था कि सई जो है वो सत्या से शादी करने वाली है। इसलिए विराट की नजरों में अच्छा बनने के लिए पाखी ने ये सब किया है। भाई पाखी विराट एक ही होंगे, क्योंकि विराट के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है, और सई और सत्या तो शादी करेंगे। इसके बाद विराट की जिंदगी कैसी होगी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए।